शनिवार को इंदौर में हिस्ट्री शीटर बदमाश शाजिद चंदनवाला के श्रीनगर एक्सटेंशन स्थित नाले पर बने अवैध निर्माण पर निगम की रिमूवल कार्यवाही शुरू की और अवैध हिस्से को ढहा दिया गया। गौरतलब है कि सेंट्रल कोतवाली के लिस्टेड बदमाश शाजिद चंदनवाला पर दर्जनों अपराध दर्ज हैं। चंदनवाला ने श्रीनगर एक्सटेंशन में नया अड्डा बनाने के लिए नेताओं से भी सांठगांठ की और जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। करीब 8 साल पहले रेस्टोरेंट के नाम पर खुले इस अड्डे का पहले ही दिन सच सामने आने के बावजूद बीजेपी के राज में कार्यवाही नहीं हुई थी। देर रात तक चलने वाली अनैतिक गतिविधियों की शिकायत कई बार पुलिस को की गई थी। बहरहाल माफियाओं पर आई सुनामी को इस अड्डे का भी पता दिया गया था, जिसके बाद लंबी जांच पड़ताल कर इसे पुलिस प्रशासन ने अपनी सूची में किया और शनिवार को कार्यवाही को अंजाम दिया। आज जो ये कार्रवाई है, ये साजिद चंदनवाला जो श्रीनगर कांकड़ है MR9 पे, वहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है। और इस कार्रवाई के अंदर जो यहाँ पे करीब 15-20 दुकानें अवैध रूप से निर्मित थी उनको हम लोगों ने हटाया है, साथ में एक रेस्टोरेंट था उसको हटाया है, जिस बीच में पीछे एक G+1 मकान पूर्ण रूप से अवैध बना था उसको हटाया है, साथ में 3 यहाँ पे स्टोर बने हुए थे जिसपे दीवारें पक्की थी लेकिन ऊपर टीन रखा था। इस तरह से एक लंबा जो अवैध निर्माण था उसको हम लोगों ने आज यहाँ से हटाया है। ये जो रोड है, रोड के ऊपर ही कुछ निर्माण ऐसा था कि यहाँ पे दो तरह से ज़मीन है, एक तो रोड जा रहा है, रोड पे ही निर्माण करके इसको MR9 से जो श्रीनगर का जो रोड उसको मिलना था उसको बंद कर दिया था, लिहाजा वो भी पूरी तरह से हटाया गया है और आगे रोड बनेगा उसके ऊपर।